हेलो एवरीवन, आज हम देखिए आपको क्या बनाना बता रहे हैं। ये है पम्पकिन के पत्ते, यानी कद्दू जो होता है उसके पत्ते हैं, आगे वाले जो मुलायम होते हैं ये वो पत्ते हैं। तो आज इसकी हम बहुत ही अच्छी सी सब्जी बनाना बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया है, इनको अच्छे से हमने धो लिया है। धोने के बाद इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो हल्का सा, इसको हम निकाल लेंगे। ये जो ये है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से, ये हम पूरा ऐसे इसका ये हिस्सा निकाल लेते हैं। तो ये हमारी जो सब्जी है बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से हम अपने सभी पत्तों के ये मोटा जो हिस्सा है ये निकलता है, ये हम इनका निकाल लेते हैं। आराम से निकल जाता है, देर नहीं लगती है। तो जितने आप मतलब कद्दू के जो पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा है, जितना आप सॉफ्ट वाला लेंगे उतना ही आपकी जो सब्जी है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम सब पहले निकाल लेते हैं इसका ये वाला हिस्सा। सभी पत्तों को ये देखिए हमने अच्छे से कट कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे से हमारे जो हैं ये साफ हो गए हैं। यहाँ पर आप सॉफ्ट वाला हिस्से जो है ना, ये इस टाइप वाले जो होते हैं ना, कद्दू का आगे वाले जो होते हैं ना, इस तरह के ऐसे पत्ते लीजिएगा तो इसकी सब्जी जो है ना बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको हम कट करते हैं। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट पत्ते हैं हमारे, आप भी ये ऐसे ही सॉफ्ट पत्ते ही लीजिएगा तो सब्जी क्या है ना बहुत टेस्टी बनती है। तो अब इसको हम महीन महीन, जितना आप महीन कट कर सकते हैं तो उतना आप महीन महीन इसको आराम से, जैसे हम नॉर्मल सब्जी हम बनाते हैं हरी वाली, हरे पत्तों की, बस उसी हिसाब से इसको आप इसको कट कर लीजिए। हमारे इतने पत्ते जो हैं वो तैयार हो गए हैं अच्छे से। ये देखिए हमने कितने बढ़िया से पत्तों को जो है वो कट कर लिया है। तो अब जैसे हमारे इतने पत्ते हैं, तो अब हम यहाँ पर कुछ और भी सब्जी मसाले ले रहे हैं। तो यहाँ हम इतने पत्तों के हिसाब से हम यहाँ पर 4 भिंडी, 3 मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, नमक, और ये हमारे सूखे मिर्च हैं, और ये हमारी जखिया है। हम यहाँ पर जखिया ले रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो जखिया डालकर आप बनाइएगा, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपके पास जखिया नहीं है तो आप यहाँ जीरे का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मिर्च और ये भिंडी को कट करते हैं। सब देखिए हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर भिंडी आप बहुत महीन महीन कट करिएगा, और मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब आइए आगे की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे हम, और इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं। और अब इस पे हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। सरसों का तेल जो होता है ना, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह के जो कद्दू के पत्ते की जो सब्जी बता रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं भिंडी आप जरूर डालिएगा, जिससे क्या है ना सब्जी का स्वाद जो है बहुत बढ़ जाता है। तो कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए हमारी। अब इसमें हम पकने भर का थोड़ा सा तेल डालेंगे सरसों का, ज़्यादा नहीं, इतना हमने डाल दिया है। सरसों का तेल है वो हमने डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है तो यहाँ हम मिर्च है वो पहले डाल देंगे। और इनको हल्का सा ही हम तल के इसको हम निकाल लेते हैं। अब हमारी जो जखिया है इसको अब हम इसमें डालेंगे। ये डाल दिया, अब ये थोड़ा पक गई है तो इसमें हम लहसुन है वो डाल देंगे। हल्का सा लहसुन को पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा पका दीजिए। अब ये हमारी जो सब्जी है इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो भिंडी कट की थी वो और हमारा मिर्च है इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अब स्वाद के हिसाब से इसमें हम नमक है वो हम इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना करना हो
वो कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा ये पत्ते जो हैं अभी पानी छोड़ेंगे तो ये जरा से रह जाएंगे, तो इसलिए आप थोड़ा नमक सोच विचार कर डालिएगा। अब इसको हम धीमी आंच में इसको पकने के लिए रख देते हैं ढककर। अब ये थोड़ी देर पकते पकते देखिए हमारी इस तरह से पक गई है। तो अब ये हमारे पककर तैयार हो गए हैं, हमने पूरी सब्जी को धीमी आंच में ही पकाया है। अब हमारी सब्जी जो है वो देखिए पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। कद्दू के पत्ते की सब्जी जी रेडी हो गई है। बहुत ही सिंपल विधि है और खाने में बहुत ही स्वाद आता है, तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी है। ओके, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।